पर एक बात बताइए मुझे, जब पिताजी ने आपको कुएं में धक्का दिया था तब उस समय उम्र थी आपकी 7 साल और एक दिन अचानक पिताजी दुनिया छोड़ के चले गए और आपने पिता के उसी पार्थिव शरीर के सामने बैठ के रोते हुए कुछ गाया। जी हाँ, उस दिन मैं माँ तो घर में नहीं थी। हाँ? धान लुए बर चंद्र से हमारे छत्तीसगढ़ के कहावत है, काम बूता बर। हाँ जी, खेत में धान बो रहे ना, खेत में धान बो, हेलो, खेत में धान बो रहे हैं तो धान लुए बर माँ मन चल रही से कार्तिक के महीना है और अचानक पिताजी है रात में खत्म हो गए। पिताजी रात में खत्म हो गए। और आपकी उम्र थी उस समय? वही 7-8 साल के रहे हम, ज्यादा बड़े नहीं रहे। हाँ। तो घर में कौन कौन था उस समय? पाड़ा पड़ोस के मरी से और हमारे छोटे वाले माँ रही से, बड़े माँ नहीं रही थे। अच्छा, तो मन गांव वाले में सब लाश रखे बर नहीं आते, रखवाली करे बर लाश के साथ, रात के तो मिट्टी दे बर नहीं लगे ना। जी, तो वो मन सब नहीं, तो पिताजी खत्म हो गए तब जानत रहे हम और पिताजी खत्म हो गए तब सब रोवे था। हाँ। महुल रोना लगे बहुत रोए, लेकिन उस दिन की बात आज याद आते बोला। तिल सिराही दिया बुताही, तिल सिराही दिया भूताही, जल जाहि वही बाती चूला माटी हेरा, ये काया माटी हेरा। भाई तोरी तो दिन के जिन गारी चूला माटी हेरा, तोरी तो दिन के जिन गारी काया माटी हेरा, तिल सिराही ए माटी के काया, मिट्टी से बने हैं, मिट्टी में ही चले जाही, जल जाही वही पाती रे चूला माटी, काया माटी है ना, तोरी दो दिन के दिन गाने का चूला माटी है ना, तो दो दिन के दिन गाने का काया माटी है ना। तोर दो दिन के दिन गाली रे चूला माटी है ना, तोर दो दिन के दिन गाली रे काया माटी है ना। भैया वो दिन ऐसे मोर जगह मुसीबत खड़ा हो गई रही, तो रात भर रो रो के मोर पिताजी के लाश ला रखे हूँ, हो सुबह माह आइस फिर ओकर ले जाके गांव के साथ में मिट्टी संस्कार करी, मिट्टी संस्कार करी। कल्पना करिए, 7 साल का बच्चा, पिता का पार्थिव शरीर पड़ा हुआ और सुध बुध खो चुका वो बच्चा गा रहा था। कल्पना कर लीजिए, सिर्फ उसको विजुअलाइज कर लीजिए, आप लोग तो बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, सिर्फ उस चीज की कल्पना करिए। पिता खेत पर हैं, पार्थिव शरीर घर में मां नहीं है, पिता का पार्थिव शरीर है और वो 7 साल का बच्चा गा रहा है और आपकी आंखों में अभी भी मैं देख रहा हूं कि वो